गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ रेकल वडी। बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड मे का करंट अफेयर रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अगर थोड़ी सी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि मैंने क्या गलती करा है। मैं आगे से कोशिश करूँगा उसे सुधारने की। और दूसरी बात, मैं क्वेश्चन के बीच में भी आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि आप जितना बार गूगल करेंगे उतनी बार आपको वो चीज़ें आँख से दिखेगी, तो आपको रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट कावेरी मैनेजमेंट अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री रिसेंटली, हु इज़ द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री है, ये इस बार का जो न्यू गवर्नमेंट बना तभी ये मिनिस्ट्री को नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये मिनिस्टर कौन है, इनका इनका नाम बताइए। तो ऑप्शन है नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, मनसुख लाल मंडाविया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह। तो आंसर विल बी गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आप लोग पिक्चर देखिए, यहाँ से इसको आंसर को रिलेट कीजिए और नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियोस कम से कम दो बार देखिए, आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको सब याद हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने ये तरीका आजमाया, मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹111 लाख करोड़ ड्यूरिंग अ 5 ईयर स्पैन ऑफ फिजिकल ईयर 2019-20 टू फिजिकल ईयर 2024-25। नेम द पर्सन हु हेड्स द टास्क फोर्स। ये एक टास्क फोर्स बनाया गया है, तो जो कि मॉनिटर करेगा ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को प्रोजेक्ट जो है इसको, और इसका जो हेड है उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन सर अरुण गोयल, राजीव कुमार, अतनु चक्रवर्ती, अजय कुमार, सुभाष चंद्रा। आंसर विल बी अतनु चक्रवर्ती, क्योंकि ये में हमारा रिवीजन वीडियो रहेगा तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। नीचे जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा आप अपने घर में पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एडिशनल ग्रांट 2.9 मिलियन अर्लियर अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू इंडिया टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक। COVID-19 के खिलाफ इंडिया को जो है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की एक एजेंसी है उसके तरफ से जो है 2.9 मिलियन दिया गया था पहले, और फिर कुछ फंड इस बार दिया गया है। तो क्या होगा आंसर, अगर आप करके बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर को। और ये है USD 3 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज़ लॉन्च टेलीमेडिसिन फैसिलिटी एट नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। ठीक है, ये टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है, ये एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे आउटडोर में डॉक्टर को दिखाते हैं, ये उसी तरह का एक आउटडोर फैसिलिटी है। लेकिन ये क्या होगा कि आप फ़ोन पे जो है फ़ोन करके, आपको घर से बाहर निकलना नहीं होगा, आप फ़ोन करके जो है अपना डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। तो ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया है। ऑप्शन सर मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड। और आंसर मेघालय। ठीक है, मेघालय नीचे यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन है पढ़ लीजिएगा। आपको मेघालय का जो गवर्नर है उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और मेघालय का कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द बैंक व्हिच हैज लॉन्च विकास अभियान स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSME बोरोवर्स। ये विकास अभियान एक स्कीम निकाला गया है एक ग्रामीण बैंक की तरफ से, और इसमें क्या है, जो MSME जो सेक्टर जो है उनमें जो लोग लोन लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, उनको इस स्कीम के तहत कुछ रिलीफ दिया जाएगा। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के बिजनेस बंद है, इसीलिए तो ये कौन से बैंक है चलिए देख लेते हैं। असम ग्रामीण विकास बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। आंसर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, नीचे दिया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री हैज़ कन्फर्ड मणिपुर डॉक्टर तंगजम धवाली सिंह विथ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस। ये एक अवार्ड है जो कि इसमें इन्हीं में से कोई एक कंट्री की तरफ से दिया जाता है, जो कि इस बार दिया गया मणिपुर के एक डॉक्टर को जिनका नाम है तंगजम धवाली। तो आंसर विल बी जापान। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यही वो ऑनर है जिनको उसको दिया गया है, और नीचे डिटेल है आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट।
नेम द इंडियन स्टेट व्हिच टॉप द लिस्ट ऑफ प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं एज पर डाटा ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है इनमें से जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा मनरेगा में के तहत आपका एम्प्लॉयमेंट दिया है लेबर लोगों को? तो आंसर विल बी छत्तीसगढ़। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने डिटेल दे दिया है, छत्तीसगढ़ ने टोटल 18.51 लाख दिया गया है एम्प्लॉयमेंट, और राजस्थान के द्वारा 10.79 लाख, उत्तर प्रदेश 9.06 लाख और फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जन औषधि सुगम अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई। बीपीपीआई इज अंडर विच इंडियन डिपार्टमेंट? ठीक है, जन औषधि सुगम एक ऐप लॉन्च किया गया है ये ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू की तरफ से, तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन व्हिच हैज लॉन्च वी विल विन कैंपेन फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर अभी जो है COVID-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें सबसे बड़ा हीरो हमारे लिए वही है, क्योंकि वो बहुत देखभाल कर रहे हैं जो भी COVID-19 के पेशेंट है उनको। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको कि हम लोग फीफा के नाम से जानते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको फीफा का हेड कौन है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोबोट व्हिच वाज डेवलप्ड बाय CSIR CMERI टू हेल्प द फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स इन मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम COVID-19 इन्फेक्टेड पीपल। ठीक है, ये एक रोबोट तैयार किया गया है CSIR CMERI की तरफ से। ये रोबोट तैयार किया गया ताकि जो लोग कोविड इन्फेक्टेड है उनको पास ना जाना पड़े लोगों को, और मतलब जो भी हेल्थ केयर जैसे डॉक्टर हो गए नर्स हो गए उनको उनके पास ना जाना पड़े, और मेडिसिन और फूड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इस रोबोट के द्वारा उनके पास पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसीलिए ये रोबोट बनाया गया है। तो आंसर विल बी HCARD। ठीक है, इसको हैकर्ड कहते हैं। ये फोटो है, आप लोग पिक्चर देख लीजिए अच्छे से, नीचे डिटेल दिया हुआ है। हैकर्ड का फुल फॉर्म हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट कंपनी टू गेट नोड फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फेविपिरावरी एंटीवायरल टैबलेट्स ऑन माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 पेशेंट। ये एक मेडिसिन मिला है COVID-19 के पेशेंट पे, देखा गया है कि कुछ इफेक्टिव हो रहा है, तो इनको जो बड़े पैमाने पर ट्रायल करने के लिए जो है ये ड्रग कंट्रोलर की तरफ से जो है किस कंपनी को जो है परमिशन दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर विल बी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए ग्लेनमार्क का ये हेडक्वार्टर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया रैंक्ड 53rd इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एज पर 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019 कंडक्ट बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP। नेम द कंट्री व्हिच टॉप द लिस्ट। तो ये एक रैंकिंग होता है जो कि बजट किस तरह से पेश किया गया है उसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही मतलब किया गया है, तो उसी के ऊपर ये रैंकिंग बना है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 53rd है, आप देख सकते हैं। तो इसमें टॉप कौन किया है? तो आंसर विल बी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड टॉप किया है 87 स्कोर के साथ। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, ये भी 87 स्कोर के साथ। इंडिया 53rd पे है 49 स्कोर के साथ, और यमन सबसे कम है लास्ट में जो कि 117 रैंक और 0 स्कोर के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर एंड कबीलपट्टी कड़ालाई मिठाई हैज़ गॉट GI टैग रिसेंटली अलॉन्ग विथ चखाओ द ब्लैक राइस ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये टेराकोटा वर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टेराकोटा वर्क ये मिट्टी का वर्क होता है, मिट्टी से बहुत तरह की मूर्तियाँ और चीज़ें बनाई जाती है जो कि गोरखपुर में बहुत फेमस है, और बना के उसको आग में तपाया जाता है और उसी से ये बनाया जाता है। ठीक है, और कबीलपट्टी कड़ालाई मिठाई ये एक तरह का स्वीट डिश है जो कि केरला में शायद बनाया जाता है। यस, और ये गुड़ को लिक्विड बना के और उसके साथ मूंगफली को मिला के ये बनाया जाता है, फिर ठंडा करके उसको। तो उसी के साथ जो है इन लोगों को GI टैग मिला, उसी के साथ चखो जो एक ब्लैक राइस होता है, काला जो राइस होता है उसी टाइप का। तो ये कहाँ पे वो मिला है, किनको मिला है,
चलिए देख लेते हैं, आंसर है मणिपुर। मणिपुर में जो है ये चखव राइस मिलता है, और सुना है मैंने कि ये बहुत टेस्टी होता है। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर भी सर्च करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे डिटेल है, आपको बताना है मणिपुर का प्राइम मिनिस्टर सॉरी सीएम कौन है और वहाँ का गवर्नर कौन है, आपको बताना है। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट हैज़ इनिशिएटेड प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन फोकसिंग ऑन कोविड-19 टाइटल्ड ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यश जिसको बोला जाता है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है। ये है आपका आंसर, नीचे आप एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग जब भी इसको रिवीजन कीजिएगा तो क्वेश्चन जैसे आता है पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, खुद से और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद जो है फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिएगा आपको सारा क्वेश्चन याद रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 2-3 बार मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन नवरत्न इंटरप्राइज अंडर कोल मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ कोल फॉर फर्स्ट टाइम रिसेंटली, एक नवरत्न कंपनी है जो कि फर्स्ट टाइम अपना कोल प्रोडक्शन शुरू किया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ये पहले ये वो एक कंपनी है जो कि जिसने कि फर्स्ट टाइम कोल प्रोडक्शन शुरू किया है। नवरत्न कंपनी आप लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब 6 या 7 है शायद, तो उसमें से आपको 3 के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। और नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन स्टेट यूटी पुलिस हैज़ अलॉन्ग विथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज़ ज्वाइंटली रन द प्रोग्राम कॉल्ड आयु रक्षा, ठीक है। ये आयु रक्षा एक तरह का प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है कि पुलिस जो भी पुलिस के कर्मचारी हैं उन लोगों को आयुर्वेद के द्वारा जो भी उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो और अपना काम अच्छे से कर पाए, उसी के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये कौन सा होगा, आंसर है दिल्ली, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। नीचे डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च एन एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द स्टेट टू गेट सब्सिडाइज एंड इंसेंटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी, ये एक तरह का डेस्क मतलब ऑफिस बनाया गया है बोल सकते हैं, जिसमें कि जो भी इंटरप्रेन्योर्स है उन लोगों को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसे और जो भी मतलब प्रॉफिट दिया जा रहा है उसको ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, उनको बताएंगे समझाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा का आपको सीएम और गवर्नर का नाम वहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ऑयल प्राइस ऑफ विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड बिलो $0 फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली, ये तो आप लोग सुने ही होंगे, बहुत फैला था इसको, मतलब जो क्रूड ऑयल था उसको $0 से भी मतलब माइनस में चला गया था उसका प्राइस, एक्चुअली जिनके पास थे वो लोग उल्टा पैसा दे रहे थे ताकि आप उनसे खरीद लो। तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर द एशिया ओशिनिया जोन, ठीक है। ये एक तरह का अवार्ड है जो कि टेनिस प्लेयर लोगों को दिया जाता है, तो एशिया तो इंडिया की तरफ से फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंडियन है जिनको कि इस बार नॉमिनेट किया गया है, और उनका नाम है सानिया मिर्ज़ा, ठीक है। सानिया मिर्ज़ा आपको पता ही है, फेमस हमारे टेबल टेनिस सॉरी टेनिस प्लेयर है जो कि बहुत नाम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 49% ऑफ रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड बाई बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हु इज़ द प्रेजेंट CCI चेयरमैन, ठीक है। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्विजिशन का बारे में भी पूछ सकता है कि कंपटीशन कमीशन इंडिया हैज़ अप्रूव एक्विजिशन ऑफ कितना परसेंट है वो रिलायंस का जो कि अप्रूव किया गया, ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन छुपा रहता है, तो क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया उस तरीके से देने का ताकि आपको और भी क्वेश्चन कवर हो, ठीक है। आंसर होगा आपका अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है। अशोक कुमार गुप्ता ये अटेंड टॉपिक देख लीजिए, नीचे थोड़ा सा डिटेल है, आप लोग ये ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट। नेम द माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विच वॉज डेवलप्ड बाई पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डायट जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है टू डिस्टिंग्रेट
कोरोना वायरस बाय हीटिंग। ये एक तरह का माइक्रोवेव बनाया गया है, खाना बनाने के लिए नहीं ऑब्वियसली, कोविड-19 के जो भी रहेंगे आपके क्या बोलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन रहेंगे उनको, वो जो भी मतलब वायरस रहेंगे उनको ख़त्म करने के लिए हीटिंग के द्वारा ये बनाया गया है। तो आंसर विल बी अतुलिया। यहाँ पे देख सकते हैं अतुलिया, देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है जिसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बिल्ट नेम्ड द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू बी बिल्ट फॉर मार्स एज ए इंजेन्यूटी बाई नासा इन नेम द रोवर कंपटीशन। ठीक है, ये जो एक हेलीकॉप्टर बनाया गया जो कि मार्स में उतरेगा, ठीक है, और ये नासा के द्वारा एक कंपटीशन लाया गया था, तो इसमें मतलब आप उसका नाम बताइए, सब कोई को बहुत लोग कंपटीशन में पार्ट लिए थे, तो जिसमें कि नाम दिया गया है इंजेन्यूटी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका वेनेजा रूपानी। ये इंडिया ओरिजिन गर्ल है और 17 ईयर्स इनका एज है, तो आप लोग डिटेल नीचे दिया गया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज़ डेवलप्ड रोबोट नेम्ड कर्मी बोट विच वॉज डेवलप्ड बाई असीमोव रोबोटिक। ठीक है, ये उसी तरह का जो हकर्ड जो है उसी तरह का एक रोबोट है जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और काम में लाया जा रहा है, ताकि जो भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको जो है डॉक्टर और नर्स को उनके पास जाना ना पड़े और उनको मेडिसिन फूड ये सब उनके पास पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो आंसर है केरला, ठीक है, चलिए नीचे डिटेल्स है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। ये एक बुक लिखा गया है आपका पूरे इसके ऊपर, मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र बोल सकते हैं, तो कि पहले क्या था महाराष्ट्र और अभी क्या है इसी के ऊपर जो है मतलब ये पूरा लिखा गया है बुक, ठीक है। चलिए, इनका नाम है गिरीश कुबेर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयाज MS-15 हैज़ रिटर्न आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 62 एक्सपीडिशन विथ 3 मेंबर्स रिसेंटली। सोयाज MS-15 इज द स्पेस क्राफ्ट ऑफ विच कंट्री। ये सोयूज एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि 62 डे के बाद स्पेस से मतलब अर्थ में लौटा है, तो ये कौन से कंट्री के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। आंसर होगा आपका रशिया, ठीक है। नीचे डिटेल है उसके बारे में, ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट, द सैफ्रॉन कल्टिवेटेड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाईलैंड ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ गॉट GI टैग रिसेंटली। ठीक है, ये एक जगह है जो कि जिसमें कि जहाँ पे भी आपके सैफ्रन जो कि केसर बोला जाता है वो बहुत अच्छा उगता है, तो इसको इस जगह को GI टैग मिल गया है। तो वो जगह कौन सी है, वो जगह है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में सैफ्रन सबसे ज़्यादा और बहुत अच्छा क्वालिटी का उगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ प्रेजेंटेड 2,11,761 करोड़ स्टेट बजट फॉर 2021 रिसेंटली बाय स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्यूटी CM सुशील कुमार मोदी। ठीक है, सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है 2,11,761 करोड़ का जो है बजट घोषित किया गया है। तो ये आंसर आपको पता ही होगा शायद, ये है बिहार, ठीक है, नीचे डिटेल्ड है आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, What will be the financial grant that was approved by World Bank for multi-year financial support to India to enhance and safeguard its coastal and marine resources? ये World Bank के द्वारा कुछ फंड दिया गया है ताकि आपका जो इंडिया के जो मतलब जो समुंदर है उनके जो उनसे जो हम लोग को रिसोर्सेस मिलते हैं तो उनको जो है मतलब सेव करने और उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए ये फंड दिया गया है। तो आंसर है आपका 400 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और हेड कौन है, ठीक है। नेक्स्ट, रमेश बाबू भी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन ऑफ विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। ये कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है रमेश कुमार बाबू को, रमेश बाबू भी जो कि है जिनको कि डायरेक्टर बनाया गया है। ये वो रमेश बाबू नहीं है कि रमेश बाबू तुम क्या जानो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, सॉरी जोक्स अपार्ट, आंसर विल बी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यही वो रमेश बाबू है, पहचान लीजिए ताकि अगर
जहाँ पे भी मिले आप वो मिला सके इनसे। चलिए नेक्स्ट, विच सेंटर फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैज़ डेवलप्ड किसान सभा ऐप। ये एक ऐप है जो कि किसानों के लिए बनाया गया है, और ये बनाया गया आपका इसके द्वारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका इस ऐप में क्या काम होगा, जो भी किसान है उनका जो एग्री प्रोडक्ट होगा, जो भी उन्होंने उगाए होंगे, उसको कैसे मंडी तक ले जाना है, किस तरीके से उसको सेफ गार्ड करना है, यही सब इंफॉर्मेशन जो है इसमें उनको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली। आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत आपको पता है, आयुष्मान हेल्थ केयर जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और गूगल कर लीजिएगा। और ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट, जिसको नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF हैज़ पोस्टपोन्ड द 7th सीजन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 2021 टू 2023। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ CGF लोकेटेड। CGF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आंसर विल बी लंदन। लंदन पे जो है CGF का हेडक्वार्टर है, ये देख सकते हैं लंदन का पिक। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, फिर यहाँ पे घूमने चलेंगे, मुझे भी ले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्टर हैज़ पार्टिसिपेटेड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली। हु इज़ द प्रेजेंट कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये G20 देश है, आप लोग ने सुने होंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में G20 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, उनका एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था, तो हमारे देश के जो भी कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक IT मिनिस्टर है उनका नाम पूछा है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, ये है रविशंकर प्रसाद, देख सकते हैं इनको, रविशंकर प्रसाद, और यही है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉरी मैं इसके नीचे डिटेल इनका ज़्यादा कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल देने लायक था नहीं, ठीक है, ये एक सिंगल क्वेश्चन था तो मैंने इंक्लूड कर लिया। आगे हम लोग और भी नेक्स्ट हम लोग वीडियो लाएंगे 4, 5 और 6 मई का रिवीजन वीडियो, और उसमें हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को प्रेस करके और उनको ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपका वीडियोस नए अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।